नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा परिसर में कांग्रेस के प्रदर्शन को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर हैं, इस तरह के प्रदर्शन में शामिल नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी को कोर्ट ने सजा सुनाई है, इसमें भाजपा और केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कांग्रेस इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने में लगी है। क्या बोले जयराम ठाकुर, सुनिए विस्तार से। मैं समझता हूँ कि वो गलत है, बिल्कुल गलत इसलिए है क्योंकि जुडिशरी ने एक जजमेंट दी है, उस जजमेंट के अगेंस्ट कांग्रेस के लोग प्रोटेस्ट करें वो उचित नहीं है। कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उनके पास रास्ता है, वो लड़नी चाहिए। राहुल गांधी जी ने जनसभा में भाषण दिया और भाषण में जिन शब्दों के कारण ऐसी परिस्थिति बनी, उसका कारण जो है उनको एक केस का सामना करना पड़ा, मानहानि के केस का सामना करना पड़ा और अंततः गत्वा वहां पर दोनों पक्ष से पक्ष को सुनने के पश्चात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरत ने अपनी जजमेंट दी, 2 साल की सजा और उसके बाद जमानत भी दे दी। तो ऐसे में इसके लिए कोई विरोध करना, किसके खिलाफ विरोध करना चाह रहे हैं? जुडिशरी के खिलाफ? मैं समझता हूँ ये उचित नहीं, कतई भी उचित नहीं है। जो किया है गलत किया। अगर मुख्यमंत्री महोदय जी ने उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया है, वैसे भी मुख्यमंत्री जो है वो संवैधानिक दायित्व पर है और संवैधानिक दायित्व पर होने के पश्चात ऐसे प्रदर्शन में कभी भाग नहीं लेना चाहिए। हमने कभी भी संवैधानिक दायित्व पर होने के बाद धरने में, प्रदर्शन में जो किसी सरकार के खिलाफ है, हमने कभी प्रदर्शन नहीं लिया। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।